नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं स्कॉर्पियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स देख लेते हैं स्कॉर्पियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, दुखी है, परेशान है, ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनके पीठ पीछे छोड़ा भूखा है, इनको परेशान किया है। इनको लग रहा है कि आपने जो इनकी हालत कर दिया है, हो सकता है ये कभी भी अपनी इस हालत से बाहर ना निकल पाए, इस तरह की थॉट्स इनके दिमाग में चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। देखते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, जैसा कि कार्ड बता रहा है कि ये इंसान पहले सोच रहा था कि ये कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपने इनको धोखा दिया है, इनके पीठ पीछे छोड़ा भूखा है, इनको बीट मतलब क्या बोलते हैं उसको धोखा दिया है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अपने लाइफ में नया कुछ सोच रहा है, रिश्ते को बैलेंस कर रहा है, पेशेंस रख रहा है कि धीरे धीरे रिश्ता बैलेंस हो जाए और अपने लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है कि अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करे और ये फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पैसों के लिए भी दिन रात ये इंसान मेहनत कर रहा है और उनको लग रहा है कि फिनेंशियली अगर ये स्टेबल बन जाएंगे तो थोड़ा परेशानी कम हो सकता है और अपने लाइफ को भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस का कार्ड। इनको लगता है अभी ये जो भी करेंगे इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ पेशेंस के साथ ये धीरे धीरे वो उस धोखे से खुद को उभरना चाहते हैं। पैसे कमाने में अपना वक्त लगा रहा है और लगाना चाहते भी हैं, लगा भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है और अपने लाइफ में कुछ नया करने की सोच भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है करंटली ये इंसान। अभी देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सोचना चाहते हो, आप दिमाग से सोच रहे हो, आप किसी भी परेशानी को अपने दिमाग में जगह नहीं देना चाहते हो, आप हर चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो, आपको क्लियर सब कुछ चाहिए, आप उसी रिश्ते को रखोगे जो आपकी ज़रूरत के होंगे, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो, कुछ भी
जो नहीं है उसके साथ आप कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते हो। करंटली आप इस एनर्जी में हो और अपने सबसे ज़्यादा आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके कॉन्शस हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हो। द एम्परर, आप अपने टेन ऑफ कप्स, आप तो परिवार, बच्चे, घर परिवार सब कुछ चाहते हो। एट ऑफ सोर्स, ये रिश्ता आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकल रहा है, ना आप इस रिश्ते से खुद को बाहर निकल पा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो निकल सकते हो, लेकिन आप खुद ही इस रिश्ते से नहीं निकलना चाहते हो। आप परिवार चाहते हो, घर परिवार, बच्चा, रिश्ता, एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि अब अपनी अस्तित्व जिसे बोलते हैं उसको खराब कर देना, खो देना, खुद के लिए स्टैंड ना लेना, ये आप अभी नहीं चाहते हो। क्योंकि किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, आप अभी दिमाग से सोचने लगे हो और आप सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। बेकार चीज़ों में आप अपना ध्यान नहीं देना चाहते हो। आपको अपना पोजीशन बहुत प्यारा है, पावर चाहिए आपको, आप पावर भी चाहते हो, परिवार चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, लेकिन बेकार की चीज़ों में आप रहना नहीं चाहते हो। आप अपनी पावर में रहना चाहते हो, पावर के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हो। हो सकता है आप किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आप घर परिवार बच्चे के लिए रिश्ते में रहना, टिके रहना चाहते हो, जिसे टिके रहना कहते हैं। मतलब परिवार के लिए आप रिश्ते में रहना चाहते हो, खुशहाल परिवार चाहते हो, लेकिन कभी भी अपना अस्तित्व जिसे कहते हैं उसको खोकर नहीं। मतलब जो दूसरे कहेंगे उसके मुताबिक चलना, दूसरे के हिसाब से रिश्तों को चलाना, ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप अपने पावर में रह के रिश्ते चलाना चाहते हो। चाहे आप शादीशुदा हो या ऐसे लव रिलेशन में हो, आप परिवार, बच्चे, घर सब कुछ देखना चाहते हो। जैसे कहते हैं कि आप कोई ऐसा है कि अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब शर्तें लगा देता है। तो आप किसी भी शर्त में अपने ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हो, आप अपने शर्त में अपनी लाइफ जीना चाहते हो। आप परिवार, बच्चे, रिश्ता सब कुछ चाहते हो। आप इस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व भी पाते हो हमेशा, क्योंकि आप बाहर निकलना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप किसी मेंटल जेल में हो। ये रिश्ता 24/7 आपके दिमाग में चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते को कोई उनके मुताबिक चलाएगा। आप रिश्ते को अपनी तरीके से जीना चाहते हो, यही आपकी करंट फीलिंग्स है। स्कॉर्पियो, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन चाहता क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, धीरे धीरे ये रिश्ता सही हो जाए, ये पैसे के लिए मेहनत करना चाहते हैं। पैसा ये कमा भी रहा है, पैसे के लिए मेहनत भी कर रहा है, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है। स्लोली बट श्योरली रिश्ते में स्टेबिलिटी आए ये चाहता है। देख लेते हैं द टावर का कार्ड, एट ऑफ वॉन्स के कार्ड, ये बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। फोर ऑफ वॉन्स के कार्ड, शादी अगर नहीं हुआ है तो शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, विथ स्टेबिलिटी ये रिश्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ये बहुत अचानक वाले लोग आ गए हैं कि हम चाहे कितना भी गलत कर दे लेकिन मेरे साथ, हमारे साथ अच्छा हो जाए। ये चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए, फिजिकल ना हो, डिजिटल हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन करो आप दोनों, और आप धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ। विथ स्टेबिलिटी, आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना चाहते हो, अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो, लेकिन ये अचानक से होना चाहिए इनके मुताबिक। मतलब ये चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये स्लो है इंसान बहुत, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं स्लो स्लो, धीरे धीरे, और अगर अचानक से कुछ होता है तो कोई बुराई नहीं है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देखिए एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं, हो सकता है ये उनके नहीं आपके एनर्जी हो,
तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप खुद क्या चाहते हो। डेविल के कार्ड, आपका एडिक्शन है, आपको इस रिश्ते के प्रति एडिक्शन है, आपको हो सकता है आप इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर इस रिश्ते में कोई कंट्रोलिंग चीज़ें हैं, कोई नेचर है, कोई लोग हैं जो आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप खुद ही इस इनकी प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों आए हैं। डेविल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि डेविल का कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज यूनिवर्स, देखो कहीं भी ये रिश्ता आपको बांध के नहीं रखा है। अगर आप चाहते हो तो रिश्ते से बाहर निकल सकते हो, आप खुद ब खुद इस रिश्ते में बंधे हुए हो। डेविल के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप खुद इस रिश्ते से बाहर चले गए थे, मूव ऑन किया था आपने, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा आपका इस रिश्ते में रह के। हो सकता है आप जब इस रिश्ते से जा रहे थे तब आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर आपका उनके जिंदगी से जाना या उनका आपके जिंदगी से जाना कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद किया है उनकी, या फिर उन्होंने किया है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस के कारण आप रिश्ते से बाहर हो, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन था, या फिर आपके पर्सन के पास। लेकिन अभी जो है, अभी आप गो विद द फ्लो होना चाहते हुए भी नहीं हो सकते हो, या फिर ये इंसान नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका एडिक्शन कहीं और है, या फिर इनका एडिक्शन कहीं और है। अभी आप पैसे संभालना चाहते हो, पैसे रखना चाहते हो, आप परिवार चाहते हो, लेकिन आप चाहकर भी पूरी तरह से रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। हो सकता है उन्होंने जो आपको इग्नोर किया था, या फिर आपने किया था, जो भी जिसने भी किया था ये आपको पता है, तो आपको सेम इग्नोरेंस कहीं से मिला होगा, तभी अभी आप गो विद द फ्लो नहीं हो पा रहे हो। आप दुखी हो, परेशान हो, हो सकता है पैसों के लिए किसी रिश्ते में गए थे, तो अभी आप पैसे कमाने में बिजी हो, चाहते हो कि पैसा इकट्ठा हो, आप रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन, और आप गो विद द फ्लो होना चाहते हो क्योंकि आप किसी भी तरीके से बंधे हुए नहीं हो, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो क्योंकि हो सकता है जिस तरह के बिट्रेल आपने उनके साथ किया था, अगर आपने किया था पता नहीं, या फिर उन्होंने किया था, क्योंकि टेन ऑफ सोर्स के कार्ड आए, उस तरह के बिट्रेल आपको भी कहीं से मिला होगा। ये सारे जो है ये एक एनर्जी है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही आपने किया है, लेकिन किसी ने तो किया है तभी ये कार्ड्स आए हैं, और ये चेंज भी होते रहते हैं। देखा जाएगा नेक्स्ट वीक में जब मैं ये रीडिंग करूंगी, लव रीडिंग, तब इसका एनर्जी चेंज हो सकता है। अभी आप पैसों के पीछे थोड़ा वक्त दे रहे हो, आप कुछ पुरानी चीजों को अभी भी पकड़ के बैठे हो। जब तक आप उस चीज को रिलीज नहीं करोगे तब तक आप खुल के रिश्ते में नहीं आ सकते। आपको कंट्रोल इशू भी है, हो सकता है इस रिश्ते में कोई एक है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है रिश्ते को। कम से कम 22 से लेकर 28 तारीख तक तो आपकी यही एनर्जी मुझे कार्ड के अनुसार दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो, वैसे आप एडिक्टेड हो, रिश्ते में रहना चाहते हो, आप खुद इस रिश्ते में बंधे हुए हो अपनी मर्जी से, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया आप पर,
किसी ने जबरदस्ती नहीं की, आप खुद ब खुद इस रिश्ते में बंधे हुए हो। अगर आप चाहते तो इस रिश्ते से निकल सकते थे, लेकिन आप निकलना भी नहीं चाहते हो, लेकिन पूरी तरह से आप इसमें जाना भी नहीं चाहते हो। अभी भी आपको कुछ कंट्रोल इशू है, कुछ एडिक्शन है, क्योंकि जो आपके इसीलिए जो सामने है उसके साथ आप पूरी तरह से नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने जिस तरह की ट्रीटमेंट आपके पर्सन को दिया था उसी तरह का कोई ट्रीटमेंट आपको भी मिला है। जब तक आप इस कंट्रोल इशू को नहीं छोड़ोगे, गो विद द फ्लो होना भी चाहते हो, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो। देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया तो होने वाला है इस रिश्ते में, मुझे लग रहा है, कार्ड बता रहा है कुछ नया हो सकता है। न्यू बिगिनिंग, या फिर आपके लाइफ में या फिर उनके लाइफ में, किसी के लाइफ में कोई नया पर्सन आने के भी चांसेस है। देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आया है। कुछ खत्म होने वाला है रिश्ते में, चाहे रिश्ते की परेशानी हो। अगर इस रिश्ते में परेशानी है तो परेशानी खत्म हो जाएगा। अगर आपको रिश्ते में दोबारा से आना है, न्यू बिगिनिंग करना है, न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस भी है। हो सकता है आप दोनों ही रिश्ते में दोबारा से आओ। अगर आप अलग अलग रह रहे हो तो आपको रिश्ते की क्लैरिटी मिलेगी, नया शुरुआत रिश्ते में होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। पुराने गिले शिकवे परेशानी खत्म हो जाएंगे, होने की चांसेस है। और आपको मेहनत से अभी जो ये रिश्ता मिलेगा, ये बहुत मेहनत से आपको मिलेगा। मतलब हो सकता है आप लोग रिश्ते में बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, अभी आपको रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, मिलने की चांसेस है जैसा कार्ड बता रहा है। और जो परेशानी है वो भी खत्म होगा और कुछ नया होगा रिश्ते में, कुछ नया हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही मेहनत कर रहे हो रिश्ते में आने के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कोई एक है जो फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है आपके इस रिश्ते से बाहर आने से उनको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको हो रहा है, इसीलिए आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, या फिर वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो परेशानी है वो खत्म होगा, होने की चांसेस है इस हफ्ते में। नया कुछ हो सकता है रिश्ते में, रिश्ते में एक नया मूवमेंट होने की चांसेस है, यही इसका आउटकम है। इस रिश्ते का मूवमेंट हो सकता है, जो जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, कुछ नया हो सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए स्कॉर्पियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। टेम्परेंस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो सजिटेरियस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। ज़्यादा राशि के आए हैं तो जो जो कार्ड मैंने बता दिया, लिब्रा, फिर एक्वेरियस हो सकता है, वैसे एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। टेम्परेंस, कुछ नया होने जा रहा है, मतलब कुछ भी ना हुआ तो कम्युनिकेशन होने का तो चांसेस है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं। यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे मत भागिए, जो आपके सामने है, जो आपके पास है, गो विद द फ्लो हो जाइए। ऐसा नहीं कि आपको नया ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन नहीं मिल सकता है,
लेकिन जो आपके पास है वो भी बुरे नहीं हैं। इसलिए रिश्ते को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखिए और ज़रूरत पड़े तो कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, गो विद द फ्लो हो जाइए और पेशेंस रखिए। आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स है, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन करके ये चीज़ें सही हो सकता है तो आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। हो सकता है आप लोगों में ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाए और बहुत सारे बात हो जिससे आप लोगों में क्लैरिटी आ जाए कि रिश्ते की एक्चुअल नीड क्या है, जो आपको चाहिए क्या वो इससे मिल रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और गो विद द फ्लो होना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।